नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी बराबर चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो क्या बोला है इसमें देख लेते हैं। ए 2 kg ब्लॉक है इज प्लेस्ड ओवर ए 4 kg ब्लॉक। तो जैसे बोल रहा है सिचुएशन में वैसे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। 2 kg ब्लॉक जो है 4 kg वाले पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड बोथ आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये सरफेस जो है स्मूथ है, मतलब नीचे वाले का म्यू क्या है, 0 है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.20, मतलब इसका म्यू दे दिया कितना, 0.2, ठीक है। बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक। अच्छा, तो एक्सेलरेशन बताना है। सब क्या किया गया, फोर्स अप्लाई किया गया 12 न्यूटन का। किस पे, तो पहले अपर ब्लॉक पे किया गया तब एक्सेलरेशन बताना है, एंड सेकंड केस में लोअर ब्लॉक पे अप्लाई किया गया तब एक्सेलरेशन बताना है, और जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है। चलिए अभी के लिए अगर सोचा जाए, अगर सिंपली ऐसा रखा है बेटा तो सब कुछ आप जानते हो। सिंपली अगर सर ऐसा रखा जाए तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे अभी पूछा जाए फ्रिक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ क्या आ जाएगा, 0। नॉर्मल वगैरह पूछे तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर अब इस पर क्या किया गया, इस पर फोर्स लगाया गया है। किस पर लगाया गया, अपर वाले ब्लॉक पर, कितना का, 12 न्यूटन का। तो अब क्या होगा सिचुएशन, कि जैसे ही मैं 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ये 4 हो गया, ये हो गया 2 kg वाले पे 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये फ्रिक्शन है, ये दोनों फ्रिक्शन है, मतलब कनेक्टेड एक दूसरे से। जैसे ही 12 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये चलना स्टार्ट करेगा, चलने की कोशिश करेगा। अब ये चलने की कोशिश करेगा, मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेगा इस सरफेस के साथ, तो क्या करेगा बताओ, सरफेस रफ है, म्यू की वैल्यू दिया है 0.2, तो ये सरफेस बोलेगा क्या, रुको, मतलब नीचे वाला जो सरफेस है 4 kg वाला जो है, ऊपर वाले पे क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, किधर की तरफ, रिलेटिव मोशन का अपोजिट। तो देखो ये ऑब्जेक्ट जाना किधर चाह रहा है, राइट साइड, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, लेफ्ट साइड लगाएगा। बदले में ये जो 2 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये भी 4 kg वाले पे फोर्स लगाएगा, और किधर लगाएगा, तो आंसर इज राइट साइड। तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। अब नीचे वाला सरफेस तो स्मूथ है, तो नीचे कोई भी नहीं लगाएगा। तो ये जितने फोर्सेस हैं अभी के लिए, ये सारे फोर्सेस यहाँ पे लगा दूँ। अब एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी लगाना होगा, है ना, चारों तरफ आप घूम जाओ। एक तो कॉन्टैक्ट बेटा यहाँ पे हो रहा होगा, हालांकि कॉन्टैक्ट से यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट इज इम्पॉर्टेंट है, चलो तो आप पूरा भी लगा सकते हो। एक तो कॉन्टैक्ट क्या होगा बेटा, एक तो ये वाला होगा, ग्राउंड लगा रहा होगा, इसको मान लेता हूँ मैं क्या, कैपिटल एन, है ना, ये ग्राउंड लगा रहा होगा किसको, 4 kg वाले को। मतलब जब भी इस तरह का फोर्सेस दिखाना हो, जो भी फोर्सेस, चारों तरफ घूमो बाउंड्री के। ऐसे यहाँ पे घुमा आपने, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, यहाँ पे घुमा तो ये कॉन्टैक्ट है, कौन है, 2 kg वाला, 2 kg वाला 4 kg को किधर पुश करेगा, नीचे की तरफ, फटाक से लगा दो नीचे की तरफ, इसका नाम दे दो N1। और जैसे ही ये लगाया, इस पे भी लगा दो ऊपर की तरफ, क्योंकि एक्शन रिएक्शन होता है, है ना, तो इक्वल एंड अपोजिट लगता है। तो 2 वाले ने अगर 4 को नीचे की तरफ दबाया, तो 4 वाले जो है 2 को ऊपर की तरफ दबाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब और भी घूमो, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं, एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे आया ग्राउंड के साथ, तो वो तो मैंने दिखाई दिया, और एक क्या लगेगा, MG, और कोई भी नहीं, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स और एक फील्ड फोर्स, ये दोनों के बारे में आपको सोचना है। तो यहाँ पे लग गया कितना, 40। दूसरा, यहाँ पे अब सोचो, इसके चारों तरफ घूमो, कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, यहाँ तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं, यहाँ भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं, एक कॉन्टैक्ट यही वाला है, और ये वाला ऑलरेडी आपने दिखा रखा है, तो एक बचा क्या, फील्ड में सिर्फ और सिर्फ MG, दैट इज इक्वल टू 20। तो वर्टिकल से अगर आप एनालाइज करो, वर्टिकल मोशन से क्या आ जाएगा, N1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ MG 20 हो गया, और ऊपर की तरफ N1 हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स, तो एन वन इक्वल टू M20। तो ये किसके बीच, इसके बीच। उसी तरह से आप यहाँ वाला कॉन्टैक्ट की भी वैल्यू निकाल सकते हो अगर पूछा जाता तो। कैपिटल एन की वैल्यू भी बता सकते हो, क्या लिखते हैं कैपिटल एन की वैल्यू, देखो कैपिटल एन ऊपर की तरफ और 40 नीचे की तरफ और एन वन भी नीचे की तरफ, मतलब नीचे वाला दोनों ऐड हो जाएगा। तो 40 प्लस N1, और एन वन की वैल्यू 20 है, तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आती है, 60 आती है। तो खैर यहाँ पे देखते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग एन की वैल्यू यूज कर सकते हैं, एन और एन वन की वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे सबसे पहले सवाल उठता है क्या, कि जब भी इस तरह का सवाल है तो सबसे पहले तो मन में सवाल ये उठता है कि जब फोर्स लगाएंगे यार, ठीक है, तो दोनों साथ साथ चलेगा या अलग अलग चलेगा, सबसे पहला सवाल ये उठता है। अब अगर साथ साथ चले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेटा साथ साथ चले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ चलेगा तो सिंपली दोनों को अलग अलग क्यों माने, फिर एक मान लो, क्योंकि दोनों अगर साथ साथ चल रहा है तो फिर अलग अलग मानने से कोई फायदा ही नहीं है, दोनों एक एक मान लो। इसका मतलब ये हो गया कि कोई 6 kg का ऑब्जेक्ट है, इस पर 12 N का फोर्स लग रहा है सिंपली, और चूंकि नीचे वाला सरफेस तो क्या है, फ्रिक्शनलेस है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर 12 N का लग रहा है और कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। तो ये देखो, ये वाला जो फ्रिक्शन है वो इंटरनल हो जाएगा वो, अगर साथ साथ चल रहा है तो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं लग रहा, फ्रिक्शन लग रहा होगा बट वो इंटरनल हो जाएगा, पूरे को सिस्टम अगर मान लिया साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो यहां से तो डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली कितना आ जाएगा, अगर एक्सेलरेशन लिखोगे कॉमन एक्सेलरेशन 12 नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो कितना आ जाता है, 2 m/s² ये कब होता लेकिन, अगर साथ साथ चलता तो, बट मुझे थोड़ी पता है कि साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और अगर अलग अलग आप चलाओगे इसको तो फिर क्या होगा, अलग अलग चलाओगे तो अलग अलग कब चलेगा, जब ये अलग स्पीड से चले ये अलग स्पीड से चले, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच रिलेटिव मोशन आ जाएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग हो गया। अब जैसे ही रिलेटिव मोशन आएगा तो दोनों के बीच कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग के इक्वल होगी, अगर कुछ म्यू अलग अलग नहीं दिया है तो। एक सिचुएशन ये हो जाता है यार कि अगर मान लो ये अलग अलग चल रहा है तो फिर एक साथ 6 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग हो गया है ना, तो फिर यहाँ पे काइनेटिक लगाना पड़ेगा है ना। फिर ये जो 4 वाला है, ये तो 2 वाला था, ये जो 4 वाला है इस पे भी क्या लगाना होगा, आगे की तरफ लग रहा है ना, इस पे काइनेटिक ही लगाना पड़ेगा, तभी एक्सेलेट करेगा, जो भी करेगा अलग अलग एक्सेलेशन से एक्सेलेट करेगा। फिर A1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर A2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और F के आसानी से निकल जाएगा। F के क्या लिखोगे बताओ, मी इंटू एन, और एन इसलिए तो निकाला था। अब यहाँ पे ये सवाल है कि एन कौन सा यूज करोगे, कैपिटल एन या स्मॉल एन, कैपिटल एन या N1, तो आंसर इस सरफेस कौन सा है, ये वाला है ना, कैपिटल एन तो ये नीचे वाला सरफेस है, N1 के कौन सा सरफेस, ये वाला, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है ये वाला सरफेस पे लग रहा है, तो एन भी कौन सा यूज करेंगे, यही वाला सरफेस के लिए, तो ये वाला सरफेस N1 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप एफ के लिखते भी हो तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, म्यू के इंटू या म्यू इंटू N1 लेना पड़ेगा यहाँ पे, और N1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, म्यू की वैल्यू भी ऑलरेडी पता है, म्यू की वैल्यू 0.2 है, N1 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला था 20, तो यहाँ पे देखिए यूज में आ गया 0.2 × 20, दैट मीन्स मैक्सिमम कितना लगाएगा ये, 4, तो इस पे 4 पीछे लग जाएगा, इस पे 4 आगे लग जाएगा। तो इस कंडीशन में भी अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा बेटा एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इस कंडीशन में 2 kg वाले का जो एक्सेलरेशन आएगा तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स, तो 12 आगे की तरफ 4 पीछे की तरफ, तो 12 − 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 8 / 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 4 m/s², ठीक है, ये 2 kg वाले का एक्सेलरेशन आ गया। और 4 kg वाले का अगर एक्सेलरेशन लिखो तो इसको कौन एक्सेलेट करवा रहा है बताओ, तो इस पर फ्रिक्शन ही सिर्फ लग रहा है और कोई नहीं लग रहा आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन एक्सेलेट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कुछ, कि फ्रिक्शन जो है मोशन का सपोर्ट भी कर रहा है और अपोज भी कर रहा है, यहाँ पे ये 4 kg को एक्सेलेट करा रहा है,
जबकि 2 kg वाले को क्या कर रहा है, डिक्सलेट करवा रहा है ना। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं, तो फ्रिक्शन के वैल्यू, नेट फोर्स कितना है बेटा, 4, जो कि फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन जो लग रहा है, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है इसका, 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 वाले का एक्सेलरेशन, 1 m/s। तो सर ये तो आपने कर दिया ठीक है, अलग अलग मान के, बट हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा आंसर सही है, ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, पता कैसे करे कि साथ साथ चलेगा कि अलग अलग चलेगा, तब ये सवाल उठता है यहाँ। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पे बन सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जब भी करना हो तो हमेशा कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, कि मान लेना है इसको क्या, कि दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का सवाल आए टू ब्लॉक प्रॉब्लम पे, तो इस तरह से आप करोगे तो कभी नहीं फंसोगे। तो सबसे पहले मान लेना है कि लेट बोथ मूविंग विथ व्हाट, बोथ मूविंग व्हाट टुगेदर, लेट की दोनों जो है साथ साथ चल रहा है, बोथ आर मूविंग टुगेदर, ठीक है, बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो पहले मान लेना है, अब आपने जो माना है वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, तो ठीक है आपने माना, तो माना तो मान कर ये कैलकुलेशन किया, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 2। एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, 2 आपके हिसाब से। अब वेरीफाई करोगे कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा, तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए इनिशियल कंडीशन पे आएंगे, है ना। इनिशियल कंडीशन पे क्या है, वेरीफाई करेंगे कि अलग अलग करके चेक करेंगे कि क्या ये सही हो सकता है या नहीं। तो 2 वाले पे तो 12 लगाया था, इधर क्या लग रहा है बेटा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, एंड 4 वाले पे क्या लग रहा है बताओ, फ्रिक्शन किधर, आगे की तरफ। अच्छा अभी हमने एजम्पशन क्या लिया कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम, और वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई दोनों का, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना आ गया वैल्यू, 2 आ गया। तो पहले ये एजम्पशन मान लेना है, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई किस पे करना है, वेरीफाई उस पे करना है जिस पे फोर्सेस ना लग रहा हो, वेरीफाई फ्रिक्शन होगा। अब सोचो कि अब देखो इस पे तो 12 N का फोर्स लगा ही रहे हो आप, तो इसका एक्सेलरेशन पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल हो सकता है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई किससे करना होगा, 4 वाले से वेरीफाई करना होगा। 4 वाले को सोचो कौन ले जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही ले जा रहा है यार, और ये फ्रिक्शन कितना लग सकता है, आपने ऑलरेडी निकाल रखा है फ्रिक्शन कितना लग सकता है, मैक्सिमम 4 N लग सकता है। देख लो लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे मैं लिमिटिंग की बात कर रहा हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 4। तो अगर मैक्सिमम 4 लग सकता है बेटा, तो सोचो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इस 4 वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही ले जाया गया और कोई नहीं, और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, मतलब 0 से लेके 4 तक कुछ भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है इस फोर्स पे जो 2 N पे लग रहा है। तो मैक्सिमम इसका एक्सेलरेशन कितना आ सकता है सर, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका आ सकता है 4y4, दैट इज इक्वल टू 1। 1 से ज्यादा ये चल ही नहीं सकता, 1 m/s² से ज्यादा ये चल ही नहीं सकता, चाहे ऊपर वाले पे कितना भी फोर्स आप लगा दो, क्योंकि ऊपर वाले को तो एफ ले जा रहा है, लेकिन नीचे वाले को कौन ले जा रहा है, एफ नहीं ले जा रहा है, ये अप्लाइड फोर्स नहीं ले जा रहा है, नीचे वाले को फ्रिक्शन ले जा रहा है। और मैक्सिमम कितना तक ये एक्सेलेट कर सकता है, तो एफ एल तक ही मैक्सिमम लग सकता है इस पे, मतलब मैक्सिमम ये 1 तक एक्सेलेट कर सकता है। अब आप चेक करो कितना है यहाँ पे, आपने निकाला था 2, क्या ये पॉसिबल है कभी, आंसर इज नो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो साथ साथ माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब साथ साथ नहीं चल रहा, क्या चलेगा, अलग अलग चलेगा। तो अब अलग अलग सॉल्व करो, सिंपल है। अब अलग अलग सॉल्व करोगे तो सिचुएशन आपके सामने, अलग अलग कैसे करना होगा, फिर ये वाला सिचुएशन अप्लाई करना होगा, अलग अलग हो गया मतलब काइनेटिक ही लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो सबसे पहले यही करना है आपको, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकाल लो, सबसे पहला काम ये करो, है ना। इन शॉर्ट जैसे मैं क्वेश्चन नंबर टू करूंगा, ये तो मैं ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन इसलिए कर पाया कि ये अभी तक एससी वर्मा में ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जो टू ब्लॉक प्रॉब्लम पे आया, तो इसलिए मैंने पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन की कि कैसे आपको करना चाहिए, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करूंगा तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ अब इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बी में देखो बेटा क्या है, अब जो फोर्स लगाया वो टू वाले पे नहीं लगाया है, ये जो 12 न्यूटन का जो फोर्स है वो फोर वाले पे लगा दिए, और म्यू अभी भी इसका 0.2 है, ठीक है। और ये सरफेस अभी भी क्या है, स्मूथ है, म्यू इसका अभी भी क्या है, जीरो। फिर से पहले तो ये चेक कर लो, अब शॉर्टकट में एकदम करना है, सबसे पहले क्या कर लो, कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, सबसे पहला काम, लेट कि दोनों साथ चल रहा है, मन ही मन कर लो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया सर, साथ साथ चल रहा है तो दोनों को कितना मानोगे, सिक्स, ठीक है। तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं, और ये तो इंटरनल हो जाएगा क्योंकि पूरे का सिस्टम मान लिया, तो ये हो गया कितना, 12/6 कॉमन एक्सेलरेशन आ गया 2, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम किसके साथ है, प्रॉब्लम है जिस पे फोर्स लग रहा है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसके साथ है, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि इसको जो है सिर्फ और सिर्फ कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन ले जा रहा है। तो अब चेक करो कि ये जो टू जो है इसको कौन ले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन, तो अब इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में टू वाले पे फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे की तरफ, फोर वाले पे किधर लगा, आगे की तरफ, बट इसमें उल्टा हो गया, तो वही सिचुएशन चेंज हो गया ना। यहाँ पे पहले आप फोर वाले के लिए जा रहे हो, तो आप देखो फोर वाले को खींच रहे हो आप, तो फोर वाला जाना चाहेगा राइट साइड, तो बदले में ये दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो इसको किधर पुल करेगा, फोर वाले को लेफ्ट साइड खींचेगा, तो फोर वाले पे लेफ्ट लगाओगे, तो टू वाले पे किधर लगाओगे, फिर राइट लगाओ। हमेशा फ्रिक्शन जब भी लगाना हो तो उस पे देखो जो मूव करने की टेंडेंसी में, टेंडेंसी किस में आई मूव करने की टेंडेंसी किस में आई इसमें, तो इससे एनालाइज करो कि ये किधर जा रहा है भाई, ये जाना चाह रहा है राइट साइड, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ लेफ्ट साइड, तो फोर वाले पे लेफ्ट साइड, तो टू वाले पे किधर लगेगा, राइट साइड। ये सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है सर, इस पे तो सिर्फ यही लगेगा, और मैक्सिमम कितना लग सकता है बेटा, एफएल, तो अब निकाल लो, एफएल की वैल्यू तो आपने निकाल ही रखा है ऑलरेडी, 4, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो टू वाले का, कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना, 2, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 2 ही मैक्सिमम चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम चल सकता है, इससे ज्यादा नहीं, जबकि कॉमन में कितना है, 2 ही आया, मतलब मेरा जो एजम्पशन था वो सही है, मतलब इसका मतलब हमने जो माना था कि साथ साथ चलेगा वो सही है। तो सेकेंड केस का आंसर क्या आ जाएगा कि दोनों साथ साथ चलेगा विद ए कॉमन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फर्स्ट वाले सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमने साथ साथ माना था लेकिन वो पॉसिबिलिटी फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ये 1 से ही चल सकता था, तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर हमने अलग अलग करके निकाला, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 एंड 1 आ गया। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इस तरह के सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, है ना। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो इसी तरह से सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे, है ना, हमेशा ध्यान रखना है कि किसकी टेंडेंसी है मूव करने की। इवन अगर यहाँ पे नीचे फ्रिक्शन भी दे देता तब भी आपको फिर ध्यान देना होगा कि फ्रिक्शन पीछे लगेगा, किधर लगेगा, आगे लगेगा, नहीं लगेगा। हमेशा एक्सेलरेशन पे फोकस करो, जिस पे फोर्स नहीं लग रहा ना उस पे फोकस करो, फोर्स किस पे नहीं लग रहा है यहाँ पे, 2 पे, तो 2 पे फोकस करो, 2 से कंडीशन निकालो, वेरीफाई करो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन, फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के साथ।